नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2020 के राशिफल के बारे में। यह राशिफल वार्षिक राशिफल होगा और मकर राशि के जातकों के लिए होगा। दोस्तों, मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2020 कैसा जाने वाला है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हाल होगा, कहां पर सौगातें मिलेंगी, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलेंगे, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा उपाय, ऐसे सटीक उपाय जिन्हें करने से यदि कहीं मैंने मकर राशि के जातकों के लिए खराब फल बताया है किसी क्षेत्र में, तो उन खराब फलों में जरूर से कमी देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले नौकरी और व्यवसाय की हम शुरुआत करते हैं, नौकरी और व्यवसाय की बात करते हैं। देखिए, इस वर्ष मकर राशि के जातकों को कार्य की अधिकता ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लग सकती है, वर्क लोड वर्क प्रेशर जो है वो ज्यादा लग सकता है। ये जो वर्ष है ये उतार चढ़ाव में आपके लिए बीतेगा। एक बात जरूर रहेगी कि फाइनली सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब यदि मैं महीनों की बात करूं तो वर्ष के शुरुआती जो 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये समय आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। थोड़ा सा आपको कठिनाई प्रेशर ज्यादा लगेगा, वर्कलोड ज्यादा लगेगा, ये चीजें हो सकती है। हो सकता है आप जो पाना चाहते हैं वो आपको इन शुरुआती 3 महीनों में ना मिले, लेकिन मार्च के बाद का जो वक्त है, अप्रैल मई जून इवन जुलाई को भी हम ले लें, तो यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो वो आपको जरूर मिलेगा। नौकरी की बात मैं कर रहा हूं। इसके बाद यदि हम वर्कलोड या वर्क प्रेशर की बात करें, कार्य की अधिकता की बात करें, तो वो आपको यहां पर अप्रैल में मार्च में भी महसूस होगी, अप्रैल में जून जुलाई में भी महसूस होगी, लेकिन हाँ उपलब्धि भी आपको मिलेगी। एक चीज जरूर कहूंगा कि वर्ष का जो द्वितीय भाग है, यानी जुलाई के बाद का या अगस्त के बाद का जो समय है, वो आपके लिए कंपेरेबली आसान होगा, और फर्स्ट हाफ यानी जनवरी से लेकर के जुलाई तक जो उतार चढ़ाव आपके जीवन में बने हैं, उनको आने वाला जो द्वितीय भाग है या जुलाई के अगस्त के बाद का जो समय है वो मैनेज करेगा और आपको उपलब्धियां दिलाएगा और शांति भी दिलवाएगा। तो ओवरऑल फाइनली सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में उतार चढ़ाव ज्यादा लग सकता है। इसके बाद आर्थिक स्थिति की बात करें तो वही बात आपसे मैं यहां पर कहूंगा कि भाई आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव के योग बनते नजर आ रहे हैं। जो प्रथम क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, इसमें ज्यादा खर्चे हो सकते हैं। लास्ट क्वार्टर भी जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें भी ज्यादा खर्चे हों, लॉस भी इवन हो सकता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट इस बीच में ना करें, अदरवाइज पैसा वापस ना आए, पैसा फंस जाए, ऐसा हो सकता है। किसी को पैसा उधार भी ना दे शुरुआती 3 महीने और वर्ष के आखिरी 3 महीनों में, लेकिन बीच के जो समय है, मार्च के बाद का जो पीरियड है, वो आपके लिए धन में, आय में स्पेशली कहूंगा, आय में उन्नति करवाने वाला होगा। चूंकि आय में उन्नति होगी तो आपका धन भी जो है वो संचय होगा, लेकिन वर्ष के आखिर में यदि आपने गलती कर दी तो वह संचित धन जा सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार का रिस्की इन्वेस्टमेंट या कैसी भी गलती नहीं करना है, धन को सही से संचय करके रखना है, सिक्योर रखना है। इसके बाद पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो मतभेद आपके यहाँ पर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी क्षेत्र में हो सकता है कि आप कुछ बोल रहे हैं, आपके पारिवारिक जन कुछ बोल रहे हैं। ये स्थितियां पूरे वर्ष भर बनी रह सकती है, लेकिन मैं ये बात भी जरूर कहूंगा कि प्रेम भी बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा, लेकिन मतभेद क्यों होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। प्रेम बहुत जरूरी है रिश्तों में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत जरूरी रिश्तों में। तो प्रेम बाकायदा बना रहेगा, भरपूर बना रहेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव में रहेगी, जिस वजह से मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। अभी ये जो वाद विवाद है, इससे आपको बचना चाहिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने विचारों पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने रिश्तों को अहम समझते हुए, चूंकि आप प्रेम करते हैं उनसे तो उन्हें अहम समझते हुए, प्रेम को बड़ा समझते हुए, प्रेम जो है वो सत्य है, प्रेम को सत्य समझते हुए अपने जो छोटे मोटे ईगो है उनको दबाना चाहिए। परिवार के बाद शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए वही बात है कि कार्य की अधिकता ज्यादा महसूस आपको होगी, वर्कलोड ज्यादा महसूस होगा। हालांकि जैसा मैंने बताया था नौकरी और व्यवसाय के लिए कि भाई जो फर्स्ट हाफ है वो वर्कलोड तो आपको देगा,
प्रेशर तो देगा लेकिन उन्नति भी देगा। तो वही के वही बात शिक्षा के क्षेत्र में भी कहूंगा कि प्रथम तीन महीने फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च आपको लग सकता है कि मैं जैसा चाहता हूँ चाहती हूँ वैसा मेरे लिए समय नहीं जा रहा, लेकिन अप्रैल में जून का जो पीरियड होगा उस पीरियड में आप तमाम वर्कलोड के बावजूद भी उपलब्धि हासिल करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। तो सफलता भी आपको जरूर मिलने वाली है और वर्ष का जो द्वितीय भाग है उसमें और अच्छी और मजबूत सफलता मिलेगी, लेकिन वर्ष का जो शुरुआती भाग है या पहला भाग यदि मैं कहूँ तो वो आपको ज़्यादा वर्कलोड ज़्यादा प्रेशर देगा। देखिए वर्कलोड से डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर उपलब्धि भी वर्कलोड की वजह से या ज़्यादा काम करने की वजह से मिल जाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो भैया स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है आपको, स्वास्थ्य का ज़रूर से ध्यान रखिए। खास तौर पर लंबी बीमारियां हैं उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, छोटी मोटी बीमारियां भी यदि है तो उनका भी ध्यान रखना है, और यदि आपका इम्यून सिस्टम कहीं कमज़ोर है तो खास तौर पर ध्यान रखना है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर नहीं है तो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम बदलने की वजह से हो सकता है कि आपके ज़्यादा स्वास्थ्य में खराबी आ जाए। जो हृदय के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट जिसे कहते हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो थायराइड या फिर जो लंबी बीमारियाँ जिसे हम कहते हैं उनके मरीज़ हैं, उनको खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मार्च अप्रैल मई का जो वक्त है ये हृदय संबंधी खास तौर पर हृदय संबंधी समस्याओं को पैदा कर सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का बाकायदा ध्यान रखिए, रूटीन चेकअप करवाते रहिए, ये करवाना बहुत ज़रूरी है। प्रेम प्रसंग की बात करते हैं फाइनली, तो प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से ज़्यादा उतार चढ़ाव मुझे यहाँ पर दिखते हैं। हो सकता है कि अपने पार्टनर से आपका अलगाव हो जाए, दूरी हो जाए मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। जैसा मैंने कहा ना कि प्रेम तो होता है तभी तो प्रेम प्रसंग बना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी हो ये ज़रूरी नहीं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दूरियां हो जाए, अलगाव हो जाए, ऐसे योग दिखते हैं। हालांकि यदि आप प्रेम को सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि प्रेम ही सत्य है, प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी आप इकट्ठे हो पाएंगे, एक हो पाएंगे। लेकिन वो समय आएगा वर्ष का आखिरी समय, आखिरी समय में हम सितंबर से इसे लेते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये आखिर के चार महीने प्रेम प्रसंग को यदि आप विवाह का रूप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चर्चा की मकर राशि के जातकों की, इनके लिए जो समय है, ये जो वर्ष 2020 है वो विभिन्न क्षेत्रों में कैसा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं उपायों की, उपाय ऐसे उपाय जिन्हें करने से यदि कहीं वर्ष 2020 आपको खराब फल देने वाला है तो उन खराब फलों में कटौती या कमी जरूर से करेगा। क्या उपाय कर रहे हैं? हर शनिवार शाम के समय शनिदेव के मंदिर जाइए, शनिदेव के मंदिर जाकर के शनिदेव को तेल चढ़ाइए। काला या नीला कपड़ा, या जिन्हें कपड़ा ना कहकर के वस्त्र कहूँ, तो शनिदेव को काले या नीले वस्त्र जो है स्पेशली यदि उनके मूर्ति है तो वैसा आप बनवा सकते हैं, और वो ले जा करके अपनी श्रद्धा अनुसार आप वस्त्र जरूर से शनिवार के दिन, हर शनिवार के दिन उन्हें अर्पण करें, चढ़ाएं। इसके बाद में यदि आप हर शनिवार तली हुई चीज़ें जैसे कि समोसा कचौड़ी जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं वो गरीबों में दान करें, गरीबों में बांटें, लेकिन खुद ना खाएं, खुद ना तली हुई चीज़ें पिएं और खुद ना काले नीले कपड़े पहने, काले नीले से परहेज करें। तो ये जो बहुत आसान से उपाय हैं लेकिन सटीक उपाय हैं, इन्हें करने से आपके लिए यदि कहीं वर्ष 2020 खराब फल देने वाला है तो उन खराब फलों में कमी जरूर से कर देगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा की मकर राशि के जातकों की, वर्ष 2020 के अलग अलग क्षेत्रों की, उपायों की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आप मकर राशि के अलावा दूसरी राशि के राशिफल भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। यदि आप खुद ज्योतिष सीखना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, यदि आप खुद की कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं, यदि आप समय समय पर राशिफल जानना चाहते हैं, यदि आप ज्योतिषीय घटनाएं जैसे किसी ग्रह का वक्री होना, मार्गी होना, राशि परिवर्तन करना, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव होना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इत्यादि के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियोज़ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।